ने कितने ही हिंदुओं का घर तबाह हो गया है, अब उसी तबाही की इबारत लिखने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बांग्लादेश हिंसा की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। दुर्गा पूजा पंडाल के गुनहगार का चेहरा सामने आया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक एक सच। तस्वीरें भले ही साफ ना हो, लेकिन इस वीडियो में दिख रहे शख्स के इरादे साफ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में धुंधला सा दिख रहा है कि ये वही शख्स है जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं का गुनहगार है। ये वो शख्स है जिसके एक कदम ने बांग्लादेश में हिंसा की आग को भड़का दिया और इंसानियत को ताक में रखते हुए हजारों हिंदुओं की आस्था से और उनकी जान से खिलवाड़ हुआ। नाम है इकबाल हुसैन। ये सीसीटीवी फुटेज कुमिला पुलिस की तरफ से जारी की गई है। 1 मिनट 10 सेकंड के इस वीडियो में कोई आवाज नहीं है, लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही एक किनारे खड़े शख्स पर नजरें ठहर जाती हैं। करीब 6 सेकंड तक वीडियो में कोई हलचल नहीं दिखती, लेकिन 6 सेकंड बाद एक शख्स बाहर की तरफ आता दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर इस शख्स के हाथ में किताब नुमा कोई चीज नजर आती है। कुमिला पुलिस का कहना है कि ये किताब नुमा चीज कुछ और नहीं पवित्र कुरान है। 23वें सेकंड में वीडियो में से शख्स गायब हो जाता है। कैमरा घूमता है और एक गली में नजर जाती है। ऊपर बाईं तरफ 13 अक्टूबर 2021 लिखा दिख रहा है और वक्त है 2:11। एक बार फिर वीडियो में इकबाल नजर आता है और एक गली में चला जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हुई थी। 13 अक्टूबर को कुमिला के नानुआ दीघी में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला हुआ। 15 अक्टूबर को नोआखाली में स्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुई। 17 अक्टूबर को रंगपुर के पीरगंज में हिंदुओं की बस्ती में आग लगा दी गई। इस्लाम के अपमान की झूठी अफवाह का सहारा लेकर बांग्लादेश में फैली इस आग की कीमत न जाने कितने हिंदू परिवारों ने चुकाई है। कुमिला पुलिस के मुताबिक इकबाल हुसैन मुरादपुर लश्करपुर इलाके का रहने वाला है। इकबाल ने ही पूजा मंडप में पवित्र कुरान को रखा था। दरोगा हाउस की दरगाह से पवित्र कुरान चोरी हुई थी। चोरी हुई वही कुरान पूजा मंडप में पाई गई थी। पुलिस आरोपी इकबाल की तलाश कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब धर्म के नाम पर बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ की बात नई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि खुद को धर्म निरपेक्ष साबित करने में जुटी बांग्लादेश सरकार इन हिंसाओं पर लगाम लगाने में कब कामयाब होगी।